स्वागत होता है आपका इस नए वीडियो में। और आज का नाम लेंगे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको डेसिमल सब्ट्रैक्शन की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। डेसिमल एडिशन की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और जो हमारे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स होते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आता नहीं होगा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, सॉरी इधर लिंक मिल जाएगी, मतलब आई बटन में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके जो है पाँच एग्जाम्पल्स इधर दिखाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के दो ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमने बता दिया आपको, आई बटन में दोनों के लिए मिल जाएगी। और आजकल में हम जो है थ्री जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे उसमें जो है एक ट्रिक यूज करेंगे, और जो हमारे दो रिमेनिंग होंगे मतलब फोर एंड फाइव रिमेनिंग होंगे उसको जो है सेकेंड ट्रिक से हम इधर सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक होती है, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में हम जो है फर्स्ट ट्रिक यूज करेंगे। और हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 22.9 मल्टीप्लाई बाय 33.3। अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आया तो आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक है तो हम फर्स्ट ट्रिक जो इधर यूज कर लेते हैं। तो 3 9 36, तो इधर 6 आ जाएगा, 3 हमारा कैरी, तो इधर 3 आ जाएगा। बाद में 3 2 6, बाद में 3 6 और 3 होता है हमारा 9, तो इधर 9 आ जाएगा। बाद में 3 2 6, तो फिर से इधर 6 ही आ जाएगा। तो अभी हम जो इसको बड़ा करके लिख देते हैं 6 9 6 6 9 6। बाद में इधर जो हमारा छोटा जीरो आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा का जीरो जो इधर आ जाएगा, और क्रॉस जो है इधर डालेंगे कि ताकि समझ में आए कि हमारा एक्स्ट्रा का जीरो है। बाद में 3 है तो 3 2 3 9 36 6 इधर 3 हमारा फिर से कैरी, 3 2 6 + 3 9, बाद में फिर से 6। बाद में इधर जो 2 0 ऐड हो जाएगी। अगर आपको ये जीरो की कंसेप्ट समझने हैं तो जैसे कि हमने पहले भी बता दिया है आई बटन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो पे क्लिक करके जो आप जो है इसको जो है हमारे इस जीरो का जो प्रोसेस होता है उसको जो है आप समझ सकते हैं। तो अभी ऐसे ही आंसर आ जाएगा 6 9 6 प्लस। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो हमारे है इसको जो है ऐड कर लेना है। तो 6 में बाद में हमारा पॉइंट है ऊपर, तो पॉइंट जो हमने इधर डाला नहीं है अभी डालेंगे। अगर आपको पॉइंट जो है ढूंढना है तो अभी हमको क्या करना है, इधर पॉइंट है तो पॉइंट की जो हमारी राइट वाली संख्या होती है, मतलब ये, तो ये कितनी है 1 है, मतलब 1 जो है हम इसको जो है छोड़ देंगे, बाद में इधर पॉइंट डाल देंगे। मतलब 1 है हमारा ऊपर तो 1 को छोड़ देंगे, बाद में जो है पॉइंट जो इधर डाल देंगे। तो इसको जो है हम रफ कर देते हैं, मतलब इसका जो आंसर अभी आ गया है 7825.6। अगर आपको इसमें जो डाउट आ रहा है तो कैलकुलेटर में जो है टाइप करके जो है इसका आंसर सही है या गलत है ये जो है कमेंट में देना। तो अभी हम इसको रफ कर देते हैं। लेट्स मूव टू सेकंड एग्जांपल। इनका एग्जांपल है 33.33 मल्टीप्लाई बाय 0.32। अगर आपके पास ऐसा एग्जांपल आया तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2 है मतलब हमारी बेसिक कंसेप्ट आ जाएंगी। हमने जो है 3 एग्जांपल इसके देखेंगे और जो हमारे एग्जांपल है उसमें जो है पॉइंट इधर की उधर होता रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो का 1 पॉइंट और 1 सेकंड आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको थोड़ा सा स्किप किया तो जो मैं आपको जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ वो जो आपके माइंड में क्लियर नहीं बैठेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। 2 3 6 और 3 2 6, बाद में 2 3 6 एंड 2 3 6, बाद में 3 है तो 3 3 इधर हमारा एक्स्ट्रा का जीरो डाल देना है, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 एंड 3 3 9। तो बाद में जो है हमारा इधर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 है तो 0 का कुछ काम नहीं होता है। तो अभी हम जो है इसको जो है ऐड कर देते हैं 6 10, तो हमारा आंसर आ गया है 10665। अगर आपको पॉइंट डालना है तो पॉइंट जो है ऊपर है 1 2, बाद में पॉइंट है तो 1 और 2 के बाद में 1066.56 इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम। तो इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, 33.3 मल्टीप्लाई बाय 3.98। तो अभी हमको क्या करना है, इधर से हम जो है अभी सॉल्व कर लेते हैं, जो पॉइंट जो है इधर के उधर हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है दोस्तों, अभी हम जो है सेकंड वाली जो हमारी स्टेप थी, मतलब हम जो है 2 एग्जांपल में यूज करने वाले थे, तो हम क्या करेंगे अभी से उसका यूज
कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हमारी स्टेप्स, ऊपर या नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर या नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर या नीचे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, इधर जो है इसको यूज कर लेना है। तो ये हमारा एरो है, तो 8 3 = 27, तो इधर 7 आ जाएगा, 2 इधर कैरी, देन क्रॉस है, तो 3 9 = 36 + 27 + 2 हमारा कैरी, तो 36 + 2 = 38 एंड 38 + 27 = 38 + 27 8 and 7 = 15 3 और 1 4 and 1 65 तो इधर हमारा आंसर आ जाएगा 5 6 हमारा कैरी, देन ये हमारा मतलब 3 3 = 9 एंड 3 8 = 27 3 9 = 36 तो अभी हम क्या करेंगे, 36 + 27 = 65 65 + 9 + 6 9 + 6 = 15 एंड 5 20 0 इधर 2 हमारा कैरी, देन 8 मतलब आंसर आ गया है 80। तो इधर 0 और 8 हमारा फिर से कैरी, इधर डाल देंगे, बाद में क्रॉस है, 3 3 = 9 बाद में 9 3 = 36 तो इधर 36 लिख देंगे, 36 + 9 = 45 45 + 4 sorry 45 + 8 = 53 तो इधर हम लिख देते हैं 3 और 5 हमारा फिर से कैरी, देन ऊपर या नीचे है मतलब 3 3 = 9 एंड 9 + 5 = 14 तो ये हमारा आंसर आ गया 14 30 50 7 तो भी जो है ये हमारे जो है उधर की उधर जो पॉइंट है। अगर आपको जो है थोड़ा सा झोलमाल हो रहा है अपने दिमाग में, मतलब इधर पॉइंट है और इधर भी पॉइंट है, तो हमारा पॉइंट आखिर कहाँ आएगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी जो स्टेप्स आई तो आपको क्या करना है, इधर से जो है 3 जो है काउंट कर लेना है, 1 2 3 बाद में पॉइंट मतलब 143.057 इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो इसको रब कर देते हैं, लेट्स मूव टू 4 एग्जाम्पल, तो इसको रब, तो यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, 43.29 × 3.22। तो अभी आप जान लीजिए, अगर आपके पास पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन आया और ऐसी जगह अगर खाली रहती है तो आपको क्या करना है, इधर जो 0 ऐड कर देना है। तो अभी हम क्या करेंगे, वही जो प्रोसेस थी हमारे, ऊपर या नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर या नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर या नीचे, वही जो आपको इधर यूज करनी है। तो हम क्या करते हैं, 0 9 = 0 0 0 0 एक्स्ट्रा 0 2 9 = 18 इधर 8 और हमारा कैरी, 2 2 = 4 2 2 = 4 and 1 5। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट वाली स्टेप थी मतलब जो हमारा फर्स्ट वाली ट्रिक थी वो जो है हम इधर यूज कर रहे हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल में हम जो दूसरी ट्रिक मतलब जो हमारी सेकंड वाली ट्रिक है उसको यूज करेंगे। तो 2 2 = 4 and 1 5 दिस इज द आंसर ऑफ दिस सॉरी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो इससे जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 = 6 2 4 = 8 इधर एक्स्ट्रा का 0 2 एक्स्ट्रा के 0 इधर आ जाएंगे, बाद में 2 है तो 2 9 = 18 वन हमारा कैरी, 5 6 and 8 फिर से हमारा 3 है अभी, तो इधर 3 जो है हम अभी ऐड कर देते हैं, बाद में 3 है तो 3 को हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सम है मतलब जो 4 डिजिट वाले हमारे मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल थे उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 = 36 6 इधर 3 हमारा कैरी, 3 2 = 6 and 3 9 3 3 = 9 and 3 4 = 12 तो हम क्या करेंगे, ये हमारे उल्टे झुलटे जो है हमारे किधर की उधर जो है पॉइंट जो है यहाँ पे जुड़ा है, मतलब एग्जांपल में जो है एक इधर पॉइंट है और एक इधर है, मतलब एक जो है 3 के बाद में है और एक जो है 2 के बाद में, मतलब एक जो है एक डिजिट के बाद में और एक जो है 2 डिजिट के बाद में है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हमने पहले थर्ड एग्जांपल में आपको बताया कि ये अगर ऐसे पॉइंट आए इधर के उधर और इधर के उधर, तो आपको क्या करना है, 3 इधर से काउंट करना है, 1 2 3 और इधर पॉइंट मतलब 30948.380 इज द आंसर ऑफ दिस
एग्जाम्पल उसको रफ कर देते हैं लेट्स इनटू एन। अभी हमने जो यहाँ पे रफ कर दिया है तो अभी हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल मतलब लास्ट वाला एग्जाम्पल जो इधर ले लेंगे। तो हम लेते हैं 22.3 मल्टीप्लाई बाय 112 ऐसा। तो अब क्या है, ए इजी ट्रिक से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जो है फास्ट मोड इधर से कर देते हैं। तो